गाइस स्वागत है आपका अपने कॉलेज में और आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन लैब सैक। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। सो आज अपने आप को आप एक चोर समझिएगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम ये है, वी आर गिवन एन आइटम्स विद वेट एंड वैल्यू ऑफ ईच आइटम एंड द कैपेसिटी ऑफ नैपसैक, बेसिकली जो बोरी होती है W। तो आपके पास एक बोरी है और N आइटम्स पड़ी है दुकान में, ठीक है। दाल मान लो भाई, दाल पड़ी है N। सो वी नीड टू पुट दीज आइटम्स इन नैपसैक सच दैट फाइनल वैल्यू ऑफ आइटम्स इन नैपसैक इज मैक्सिमम। सो आप चोर हो, सो आपको ऐसी आइटम चुरानी है जो कि जिसका वेट W हो जाए और जिसकी जो फाइनल इवेल्युएशन है ना वो मैक्सिमम आए। भाई अब चोर है तो भाई मैक्सिमम वैल्यू को लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पाँच दालें हैं, पहले की वैल्यू है 21 और वो 7 किलो पड़ी हुई है, दूसरे की वैल्यू है 24 और ये 4 किलो। तो बेसिकली जो 24 है ना, ये टोटल 4 किलो का वैल्यू है, ठीक है। और फिर है 12 और 6, फिर है 40 वैल्यू है और वेट है 5, फिर अगली है 30 वैल्यू और वेट है उसका टोटल 6 किलो। और मेरे को जो नैपसैक की बोरी की वैल्यू गिवन है ना वेट, वो है 20 किलो। भाई 20 किलो में भर सकता हूँ, इसका वेट मैक्सिमम कर दो मेरा। सो अप्रोच क्या है? अप्रोच यही है, थिंक ग्रीडीली। लालच बुरी बला तो है लेकिन मैं चोर हूँ, मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मेन आइडिया ये है कि मैं निकालूंगा वैल्यू पर यूनिट वेट, कि भाई 1 किलो की कितनी वैल्यू है मैं वो निकाल लूंगा भाई, और जिसकी 1 किलो की वैल्यू ज्यादा है तो उसके हिसाब से मैं अपनी नैपसैक में भर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो वैल्यू मेरी लिख ली, वेट मैंने लिख लिया। अब वैल्यू पर यूनिट वेट क्या होगा? पहले का हो जाएगा 21/7 जो कि है 3, नेक्स्ट हो जाएगा 24/4 6, फिर हो जाएगा 12/6 2, फिर 40/5 8, फिर 30/6 5। सो इसमें अगर हम देखें कि अगर मैं सबसे ज्यादा वैल्यू जिस दाल की है वो पहले भरूं अपने नैपसैक में, तब तो मैं भाई अपना प्रॉफिट मैक्सिमम कर सकता हूं। सो यही हम करने वाले हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू वैल्यू पर यूनिट वेट, ठीक है। वो मैंने सॉर्ट कर लिया तो हमारी टेबल कुछ ऐसी बन जाएगी। सो वैल्यू पर यूनिट वेट जिसका 8 है वो सबसे पहले आ गया, फिर 6, फिर 5, 3, 2। फिर हम क्या करेंगे, पिक फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल आर नैपसैक हैज कैपेसिटी। भाई जब तक मेरे नैपसैक में कैपेसिटी है ना तब तक मैं भरता चला जाऊंगा और स्टार्ट करूंगा भाई, क्योंकि स्टार्टिंग से, क्योंकि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, 8 किलो मतलब 5 किलो तो मैं अपने 8 पर यूनिट वेट से भर दूंगा कि भाई 5 किलो हो गया। फिर मैं 4 किलो और भर दूंगा तो 5+4 हो गया 9, 9 के बाद मैं 6 और भर दूंगा, 15 हो गया अभी तक। अब मैं 7 नहीं ले सकता क्योंकि 7 किलो लूंगा तो मेरा टोटल 22 हो जाएगा, मेरी बोरी फट जाएगी। मेरी बोरी का वेट है 20 मतलब कैपेसिटी 20 है। तो मैं क्या करूंगा भाई, कोई नहीं मैं सारा नहीं ले सकता तो मैं क्या करूंगा, 5 किलो तो ले सकता हूँ तो मैं 5 किलो ले लूंगा। तो 5 किलो का जो प्राइस होगा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि 1 किलो का प्राइस है मेरा 3, 5 का हो जाएगा 3×5=15। तो इसके हिसाब से मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 40+24+30+3×5, क्योंकि भाई मैंने खाली 5 किलो लिया और उसकी वैल्यू पर यूनिट वेट था 3। तो टोटल मेरा आंसर आ गया 109। समझ रहे हो मतलब, सिंपली चोर बनो, वैल्यू को मैक्सिमम करो। सो लेट्स कोड इट गाइस। सो गाइस इसमें सबसे पहले हम लेंगे जो नंबर ऑफ आइटम्स कितने मेरे पास दुकान में, हम एक कंटेनर बनाएंगे जिसमें हम उसकी वैल्यू और उसका वेट दोनों स्टोर कर सकते हैं। सो वेक्टर ऑफ बना लेंगे। सो वी आई ए क्या है, वेक्टर ऑफ पेयर है, ऊपर हमने एक मैक्रो रखा है। सो वी आई ए और उसका साइज, देन हम इसका इनपुट ले लेंगे रैप, और रैप एक मैक्रो है जो कि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में काफ़ी हम यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमारी स्पीड बढ़ती है। सो 3 AI.FF एंड AI.SS। सो इसमें FF और SS है फर्स्ट और सेकेंड, जो फिर से आपको पता ही है क्यों, क्योंकि ये हमारी स्पीड तेज करते हैं। सो स्टेप वन हमारा क्या था कि इसको ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट वेक्टर को करना है, तो a.begin और कस्टम फंक्शन कस्टम कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी मर्जी के हिसाब से इसको चाहते हैं। सो कंपेयर वो हम ऊपर बनाएंगे और वो कैसे होगा, वैल्यू पर यूनिट बूल। सो बूलियन टाइप होता है इसमें क्योंकि ये हमेशा एक कंडीशनल स्टेटमेंट रिटर्न करता है। सो PII P1 एंड PII P2। इसमें फिर हम दो वैल्यूज ले लेंगे और दोनों हम डबल में लेंगे क्योंकि वैल्यू पर यूनिट हमारा डेसिमल में भी आ सकता है, डबल वी और इसको टाइप कास्ट V1। सो P1.F यानी वैल्यू, और ऐसे हम एक फॉर आर सेकेंड। सो अब हमें क्या करना है, जो हमारी पहली आइटम होनी चाहिए उसका वेट एरे में, सॉरी वैल्यू पर यूनिट वेट ज़्यादा होना चाहिए। सो सिंपली V1 greater than
तो हमारा एरे सॉर्ट होके हमारे पास आ गया। अब सिंपली हमें ग्रीडिली चुनते चले जाना है। तो इससे पहले हमें डब्ल्यू भी लेना पड़ेगा, हमारे नैपसैक बोरी बोरी का कितना वेट है, कितना हम चोरी कर सकते हैं, राइट। तो इंट अब अपना ग्रीडी वाला काम शुरू हो जाएगा कि जब तक ले सकते हैं तब। सो एक आंसर बना लेते हैं क्योंकि हमें आंसर भी रिटर्न करना है, इंट आंसर टू जीरो। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू वाला काम तो हमने कर ही दिया, पहली सॉर्टिंग मार दी। अब सिंपली हमें एक एक उठाने। तो रैप अगर अगर मेरे नैपसैक का उस पर पूरे जो आइटम है उसके पूरे वेट से ज़्यादा है तो मैं उसको पूरा ले सकता हूँ। W इज ग्रेटेस्ट टू SS क्योंकि सेकंड में मेरा लोड है तो मैं उसे पूरा उठा लूँगा सर। प्लस इक्वल्स टू AI.FF जो उसकी वैल्यू है वो मैं आंसर ऐड हो जाएगी और W अपडेट हो जाएगा W माइनस इक्वल्स टू AI.SS क्योंकि वो मैंने भर लिया है, ठीक है। और ये हो गया। तो अगर ऐसा केस नहीं है भाई, मेरी बोरी में इतना इतनी जगह ही नहीं कि मैं पूरे आइटम ले सकता हूँ, तो मैं पार्ट लूँगा। तो पार्ट लेने के लिए सबसे पहले मुझे वैल्यू पर यूनिट वेट चाहिए उस पर्टिकुलर आइटम का, वैल्यू पर यूनिट बेसिकली। सो इसको भी हम टाइप कर FF AI.SS। अब हमें पता है 1 किलो का, ठीक है। तो अब हमारे पास जितना भी बोरी में वजन पड़ा होगा ले लेंगे। सो वैल्यू इंटू क्योंकि वैल्यू नीट वेट टू जितना करंट है, और ये करके हमारा जो W में वेट बचेगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम ब्रेक कर और सिंपली लास्ट आंसर राइट। सो इसको रन कर। तो इनपुट था हमारा कि 5 मेरे पास आइटम्स थी, पहले का वेट 21.7, देन 24.4, 12.6, 40.5, 30.6, और जो हमारी बोरी का वजन था जितना हम ले सकते थे वो था 20 किलो, राइट। इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि देखा हमने, हमारा डिस्कशन में भी जो वैल्यू आई थी 109 अभी भी आ रही है। सो आई बिलीव, सो समझ में आ गया। तो ऐसी कोडिंग करते रहिए और अपनी कोडिंग से रहिए।